सुना आपने, एक बार फिर से श्रीनगर में कट्टरपंथियों ने अपनी घटियापंथी दिखाई और जुम्मे की नमाज के बाद जुमा भीड़ ने कथित तौर पर आजादी के नारे लगाए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि श्रीनगर में वो जगह कहाँ की है और क्या इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश माना जाए और क्या अब भारतीय सेना इस पर बड़ा एक्शन लेगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूँ आयुष। दरअसल जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामिया मस्जिद आजादी और भारत विरोधी नारों से गूंज उठी। जुम्मे की नमाज के लिए जमा हुई भीड़ के बड़े हिस्से को आतंक समर्थक और आतंकी नारे लगाते सुना गया। जामिया मस्जिद में लगे नारों की एक वीडियो क्लिप में इन सारे नारों को बखूबी सुना जा सकता है। भारत तक पर मिली वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद हम क्या चाहते हैं आजादी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही धार्मिक नारा, नारा ए, तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे सुने जा सकते हैं। तो आपने सुना, इस वीडियो में इन नापाक दहशतगर्दों ने मुस्लिमों को आजादी के नारों के साथ साथ नारा ए, तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और फिर से कोशिश की घाटी का माहौल बिगाड़ने की। यही नहीं, आजादी के नारों के अलावा मस्जिद के बाहर पथराव भी किया गया, जहां सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था। जिस तरह से सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, वो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के तुरंत बाद दुर्लभ घटना जैसी है। जैसे ही कट्टरपंथियों ने पथराव शुरू किया तो उसके बाद एक्शन में आए लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने भीड़ को खदेड़ दिया। मस्जिद से नारेबाजी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जामिया मस्जिद के अंदर नारेबाजी करने के आरोप में एक व्यक्ति को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मस्जिद में नारेबाजी कर रहे युवकों को लेकर नमाजियों में दो गुट हो गया। इंतजामिया कमेटी के युवाओं और स्वयं सेवकों ने इस प्रकार की नारेबाजी का विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। इससे मस्जिद के भीतर हंगामा जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि नारेबाजी करने वालों को लोगों ने वहां से खदेड़ दिया। इस संबंध में आईपीसी की धारा 124A और 447 के तहत एफआईआर संख्या 16/2020 के तहत नौहट्टा में मामला दर्ज किया गया। खैर, देश की सुरक्षा को देखते हुए 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक झटके में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई अलग पहचान को खत्म कर दिया था और इन कट्टरपंथियों के मुंह पर तगड़ा तमाचा मारा था और बता दिया था कि कश्मीर में रहना है तो भारत माता की जय कहना है।